भारी भरकम पुलिस फोर्स, तहसील प्रशासन भी और शिया सुन्नी दोनों समुदाय के इफ्तार पार्टी भी। जी हाँ, खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां 29वें रमजान को रोजा इफ्तार कराने को लेकर शिया सुन्नी दोनों समुदाय के लोगों में गर्मा गर्मी शुरू हो गई थी। बताते चले कि लखीमपुर खीरी के कस्बा खीरी स्थित शिया इमामबाड़ा परिसर पर सुन्नी समुदाय के लोगों द्वारा तथा शिया समुदाय के लोगों द्वारा रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन होना था। जैसे ही सुन्नी समुदाय के लोगों द्वारा शिया इमामबाड़े परिसर पर इफ्तार पार्टी की तैयारियां शुरू हुई तो शिया समुदाय तथा सुन्नी समुदाय के कुछ लोगों में गर्मा गर्मी शुरू हो गई। जानकारी होने पर तेजतर्रार कस्बा चौकी प्रभारी लाल बहादुर मिश्रा अपने फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पता चला कि आज 29वें रमजान को शिया इमामबाड़े परिसर में आयोजित सुन्नी समुदाय के लोगों द्वारा इफ्तार पार्टी आयोजित की गई है और शिया समुदाय के लोगों द्वारा भी एक इफ्तार पार्टी आयोजित की गई है। लेकिन सुन्नी समुदाय के लोगों ने चौकी इंचार्ज लाल बहादुर मिश्रा से बताया कि शिया इमामबाड़े परिसर में आयोजित होने वाली इफ्तार पार्टी की परमिशन वो एसडीएम सदर से ले आए हैं। सुन्नी समुदाय के लोगों ने यह भी बताया कि पूर्व में भी कई वर्षों से इस इमामबाड़ा परिसर में उनके द्वारा इफ्तार पार्टी आयोजित होती चली आई है। तो वही शिया समुदाय के लोगों ने बताया कि उनके इस इमामबाड़े में आज उनके द्वारा भी एक इफ्तार पार्टी रखी गई है। यह कस्बा खीरी में स्थित उनका ये शिया इमामबाड़ा है, वह परिसर उनका है, वह जगह उनकी है, उन पर किसी तरह के कोई प्रोग्राम करने की परमिशन लेना जरूरी नहीं है। चौकी प्रभारी लाल बहादुर मिश्रा का कहना था कि आदर्श आचार संहिता चल रही है, यदि किसी किस्म की कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। थोड़ी ही देर में थाना प्रभारी खीरी अजीत कुमार मिश्रा भी अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए देखते ही देखते एक बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मुस्तैद कर दिया गया, जिसमें थाना कोतवाली सदर एवं महिला थाना व थाना खीरी का फोर्स इसलिए तैनात कर दिया गया कि आदर्श आचार संहिता का पालन हो सके और किसी किस्म का कोई विवाद उत्पन्न ना हो पाए। पुलिस का लगातार यही कहना था कि यदि सुन्नी समुदाय के पास शिया इमामबाड़ा परिसर में रोजा इफ्तार करने की परमिशन है तो रोजा इफ्तार करवाई जाएगी, यदि किसी ने अराजकता फैलाने की कोशिश की तो आचार संहिता का पालन करते हुए सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद शिया सुन्नी दोनों समुदाय के बीच आपसी समझौता होते हुए शांतिपूर्ण तरीके से दोनों लोगों की रोजा इफ्तार संपन्न हुई और पुलिस अपनी अराजक तत्वों पर पैनी नजर बनाए रही कि किसी किस्म का कोई विवाद उत्पन्न न हो पाए। अल्लाहु, 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 Allah, Allah, Allah.